ओके के साथ मैं बात करने वाला हूँ अपने ब्लैक बोल्ट और थैनोस के बीच में। अगर फाइट हो गई तो कौन जीतेगा? तो गाइस यहाँ पे मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के सस्ते वाले ब्लैक बोल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ असली वाले ब्लैक बोल्ट के बारे में। तो गाइस उसके पहले मैं उन दोनों के पावर सबको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो पहले बात करते हैं ब्लैक बोल्ट की। तो गाइस अगर ब्लैक बोल्ट अपने पूरे पावर में चीखे तो वो पूरे के पूरे एक प्लैनेट को तबाह कर सकता है। और बात करते हैं थैनोस की, तो मुझे नहीं लगता कि थैनोस के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। उसके पावर हमने इंफिनिटी वॉर और एंड गेम में तो देख ही ली है। तो अब हम बात करते हैं कि उन दोनों के बीच में अगर फाइट होगी तो जीतेगा कौन। तो गाइस कॉमिक में एक बार इन दोनों की फाइट हो चुकी है और इसमें ब्लैक बोल्ट काफी अच्छे से थैनोस को हरा रहा था, लेकिन तभी थैनोस को ब्लैक बोल्ट की पावर पता चल जाती है और थैनोस उसका मुंह बंद करके उसको बहुत बुरी तरह से हरा देता है। लेकिन ब्लैक बोल्ट ने भी थैनोस को काफी अच्छी टक्कर दी थी। उसने अपने सुपर सोनिक स्क्रीम से थैनोस के पूरे आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन एंड में तो थैनोस ही जीता। अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर।